एवरीवन, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो तो आज है मंडे और मैं मतलब सोचा था कल व्लॉग स्टार्ट करने का, बट फिर मैंने नहीं स्टार्ट किया क्योंकि कल कुछ ऐसा था भी नहीं करने का और हम कुछ कर भी नहीं रहे थे। तो यस, आज हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वैसे आज भी मैं कुछ इतना खास नहीं कर रही हूँ, बट फिर भी मैंने सोचा व्लॉग कर लेती हूँ बिकॉज मैं अभी 2-3 दिन बाद बस जा ही रही हूँ। तीसरे दिन मैं चली जाऊँगी, तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली या तो सेकेंड लास्ट व्लॉग होगा मुंबई का या फिर लास्ट व्लॉग होगा, फिर मैं नेक्स्ट मंथ आऊँगी। तो नेक्स्ट मंथ में आ रही हूँ, तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इवेंट है यहाँ पर। मेरी जो दोस्त है निशा, उसके भाई की इंगेजमेंट है, तो वो मेरे बिल्कुल एकदम घर जैसा वाला फंक्शन एंड सेलिब्रेशन होने वाला है। मेन वेडिंग होगी ना, तो जो मेन वेडिंग होने वाली है वो एकदम रॉयल राजपूत जो वेडिंग नहीं होती है, ये वैसे तरह की वेडिंग होने वाली है। तो मैं तो बड़ी वेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और इवन मैं इंगेजमेंट के लिए भी बड़ी एक्साइटेड हूँ। तो हम सब वही अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, वही चल रहा है। एक बार पहले ऐसा कुछ हुआ था कि शरारा गरारा टाइप का कुछ पहनेंगे, फिर हमारा कल्चर प्रमोट करो वो ही पहनो, तो सब पोशाक पहनने वाले हैं। तो लेट्स सी, अभी स्टिल नॉट फिगर इट आउट कि क्या है। तो अभी हम लोग, मैं जाती हूँ निशा घर में, तो हमारा यही सब चलता रहता है। शायद से एंगेजमेंट में जो एंकरिंग है थोड़ी बहुत, वो मैं करने वाली हूँ, तो वो सब है। एंड यस, आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। तो वो नेक्स्ट मंथ ही आना है मुझे यहाँ पर, तो नेक्स्ट मंथ है। उसी लिए मैं अभी बार बार भी आ रही थी क्योंकि हम शॉपिंग वगैरह, गोल्ड शॉपिंग वगैरह सब इसीलिए हो रही थी। तो जितनी भी लड़की की गोल्ड शॉपिंग हो, मोस्टली तो 50-60% मेरे साथ जाके हुई है, और बाकी फिर आंटी ने कुछ कुछ पहले से कर लिया था, कुछ अभी कर लिया है। अच्छा, अब एक और नई चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि आप मेरे बाल देख रहे हैं, मैंने ये शैम्पू किया हुआ है। तो मैंने, एक सेकेंड, इसको यहाँ रख देती हूँ। काफ़ी हैवी है ये वाला कैमरा, मेरा जो G7 वाला है ना वो काफ़ी हल्का फुल्का कैमरा है, बट ये वाला थोड़ा सा हैवी लगता है हाथ में। तो मैं शैम्पू लेके आती हूँ। तो आई थिंक 1.5 महीना पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पे हर्बल शैम्पू रिकमेंडेशंस डाले थे। मैं तो देखो, मोस्टली मेरे पास जो भी शैम्पूज आते हैं किसी भी ब्रांड के, यही सारे शैम्पू यूज़ करती हूँ। मतलब मैं अलग से, आप पूछो कि कोई एक पर्टिकुलर शैम्पू जो मैं जाके परचेस करती हूँ, मैं पहले कर रही थी आज से 2-2.5-3 साल पहले, बट जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था ना तब से मैं अपने बालों में वैरायटी ऑफ शैम्पू यूज़ करना स्टार्ट कर चुकी थी। तो जो आता है मैं वही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये भी इतने एक्सपेंसिव होते हैं, 600-700, 700-800 के शैम्पू एंड मास्क आता है, तो फिर उनको वेस्ट क्यों करना है ना। तो मुझे था ऐसा बहुत दिनों से कि मुझे हर्बल शैम्पू पर स्विच करना है। काफ़ी सारे रिकमेंडेशन आए थे और बहुत अच्छे अच्छे रिकमेंडेशन आए थे, जिसमें जिसमें से जो सबसे टॉप का रेकमेंडेड शैम्पू था ना, वो ये था। ये दिस इज अवमी हर्बल का शकुंतला हेयर क्लेंजर। कल मैंने इसी से शैम्पू किया है। ओके, दिस इज माय, और इसमें मैंने इतना सा भी कंडीशनर नहीं लगाया है, एंड दिस इज माय फर्स्ट वॉश विद दैट शैम्पू। मुझे तो अपने बालों में बिल्कुल भी 1% भी ड्राइनेस नहीं लग रही है। आप देखो, स्ट्रेट स्मूथ लग रहे हैं एंड ये एयर ड्राई हेयर है। तो अगर आप सोचोगे मेरे बालों में कोई ट्रीटमेंट है, केमिकल ट्रीटमेंट है, तो लास्ट ईयर आपको याद होगा मैंने एक रिलैक्सिंग ट्रीटमेंट करवाया था जो सिर्फ 3 मंथ्स के लिए ही रहता है, मतलब स्टे करता है। और अभी तो मैंने मई में करवाया था, हाँ मैंने अप्रैल एंड में करवाया था, हाँ मेरे गृह प्रवेश से पहले मैंने आई थिंक करवाया था रिलैक्सिंग ट्रीटमेंट, और अभी अप्रैल ख़त्म ही होना, ऑलमोस्ट 1 साल हो ही गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे बालों में कोई ट्रीटमेंट है या मेरे बालों में कोई केमिकल्स लगे हुए हैं, इट्स माय ऑलमोस्ट नेचुरल हेयर। अगर आप स्मूदनिंग भी करवाते हो तो वो 6-7 महीने बाद आपकी स्मूदनिंग ख़राब होने लगती है। मैं अपनी यहाँ पुरानी पिक्चर आपको डाल दूंगी, एक जो जिसमें मेरा जिस जब मेरे स्ट्रेटनिंग कराना स्टार्ट नहीं करी थी या स्मूदनिंग कराना स्टार्ट नहीं करी थी तब मेरे बाल कैसे लगते थे। तो बस ये था कि मेरे बाल फ्रिजी हो जाते हैं, बाकी मेरे बाल स्ट्रेट ही टेक्सचर वाले हैं। मैं शावर लेने के लिए जाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। सुबह के सारे मेरे काम हो चुके हैं। आज मैंने लंच में बनाया है भिंडी की सब्जी, दाल और रोटी, तो हमारी वो कुक दीदी जो है वो बना के चली जाती हैं। दिखाती हूँ हम लोगों की भिंडी की सब्जी, विक्की के लंच में रखा गई है, तो हम लोग तो बिल्कुल थोड़ी सी बनाते हैं क्योंकि 2 लोग हैं, क्या ही बनाएंगे। और एकदम इतनों से मजाक चावल है ये, बिल्कुल थोड़े से बनाए हुए हैं और बहुत ही कम दाल दिए। तो ये लोगों का अभी मुझे गैस क्लीन करना है बस, बाकी सब हो गया। ये नीचे प्लेटफॉर्म क्लीन हो गया, गैस क्लीन करके जाना है, बर्तन क्लीन हो गए हैं। और एक और नई चीज़ हम लोगों ने अभी किचन में ऐड करी है, वो है ये दिख रहा है, ये दिस इज़ एक्चुअली अ शार कर्टन। ओके, तो आप इसको ओपन भी कर सकते हो और आप इसको क्लोज भी कर सकते हो। सो एज़ यू कैन सी, दिस इज़ अ फर्स्ट फ्लोर ना, हम फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, मतलब ये फर्स्ट नहीं है, नीचे कोई फ्लोर नहीं है बट नीचे से पार्किंग है, तो और एक और पोडियम है। तो जब यहाँ पर घूमते हैं ना लोग शाम को, तो पूरा मेरा किचन दिखता है, लाइक पूरा किचन सब दिखता है, मैं खड़ी हुई दिखती हूँ यहाँ पर।
तो विक्की का बहुत टाइम से हमको, जैसे हम जब शिफ्ट हो रहे थे ना, तब हमारा ये था कि यहाँ पे बहुत सारे काम पेंडिंग है, इसलिए भी छोड़ दिया था कि जब आप रहने लगते हो ना, तो आपको और चीज़ें पता चलती है कि क्या क्या चीज़ें कराना है, क्या ये सब है. तो वो हमारे कुछ कुछ बाथरूम में दो तीन काम बचे हैं, किचन में कुछ काम है, किचन का जो डक्ट एरिया है वहाँ पर, तो ऐसे हमारे काम बचे हुए हैं. तो विक्की बहुत टाइम से पीछे लगा हुआ था कि वो परमानेंट वाला एक शटर है जो बहुत सारे लोगों ने, फर्स्ट फ्लोर वालों ने और सेकंड फ्लोर वालों ने हमारे करवा के रखा है, तो शटर लगवाना है वहाँ पर. शटर मतलब वो परमानेंटली एक वो होती है जो पैक हो जाता है उससे, तो वो पीछे पड़ा हुआ है कि सारे रूम्स में लगवा दो. और मैं इज्जत खड़ी हुई हूँ कि इतनी अच्छी बैल्कनी मिली है, लोग मरते हैं बैल्कनी के लिए, आप उसको विंडो बना दो. विंडो ही बन गया ना, आप नीचे से पैक करा दिया, उतनी उतनी खिड़की बच गई. मैंने कहा आप उसको विंडो बना दो, आप बिल्कुल नहीं. मेरे बेडरूम, मैंने बेडरूम और लिविंग रूम का तो मना ही कर दिया था, और किचन के वो पीछे पड़ा हुआ था क्योंकि वो भी काम करता है किचन में, मैं भी काम करती हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है कि ठीक है जा ही तो रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं, तो क्या ही हम किचन में कर रहे हैं ऐसा. तो बट फिर भी ना आप शॉर्ट्स वॉर्ट्स पहनते हैं कभी कभी, सब यहाँ गाड़ी भी पार्क करते हैं, तो विक्की बोलते अच्छा नहीं लगता है ये वो फलाना ढिमकाना. तो मैंने कहा ठीक है भाई. फिर हम लोगों ने एक जुगाड़ निकाला कि जो शार कर्टन होता है वो डालते हैं, तो जब मन करेगा उसको ओपन कर दो और जब मन करेगा तो उसको क्लोज कर दो. परमानेंट वाला काम भी नहीं करना था, वो हमेशा के लिए पैक हो जाता. तो बस ये हम लोगों ने किया है, ऐसा हमने विक्की के रूम में जहाँ वो काम करता है वहाँ पे भी लगाया है. वहाँ तो बहुत ही टेम्परेरी तरीके से लगाया हुआ है और जुगाड़ तरीके से, और दूसरा ये किचन में लग गया है ऐसा. तो अभी ठीक है, मैं शार लेने जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ. दिस इज माई फूड, मैं अपना खाना खाती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ. ओके गाइस, सो आई एम ऑल रेडी और मैं मिलने जा रही हूँ सब्सक्राइबर से. तो अंकिता नाम है उनका. एक्चुअली हम कैसे मिले थे, मैं निशा की जो मम्मी है उन्होंने जहाँ पे घर लिया है हमारी सामने वाली बिल्डिंग में, उसी बिल्डिंग में शी ऑल्सो बॉट होम. तो वो शायद निकल रही थी वहाँ से और हमारा, मैं और विक्की वहाँ से आ रहे थे जा रहे थे, पता नहीं क्या था, या मैं अकेली थी मुझे ये भी ध्यान नहीं है. मैं आंटी के यहाँ से निकल रही थी और वो शायद मैं आंटी के यहाँ जा रही थी और वो निकल रही थी, तो ऐसे हम टकराए थे. वो आई मेरे पास, वो लिफ्ट में खड़ी थी और वो आई, एंड शी वॉज प्रेगनेंट दैट टाइम और शी वॉज अबाउट टू डिलीवर बेबी इन 1 or 2 months. और हमारी मुलाकात हुई, हमारे नंबर्स एक्सचेंज हुए. मतलब अभी वो अपनी मम्मी के घर पे रह रही है एंड उनकी मम्मी फॉर्चुनेटली मेरी बिल्डिंग के थोड़ा सा आगे जाके बस सामने वाली बिल्डिंग में ही है, तो वो भी वहीं पर है बिकॉज उनका छोटा बच्चा है एंड अभी वो अपने नए वाले घर में शिफ्ट नहीं हुई है. तो फिर मैं पैदल जाती हूँ वॉक करते करते, उनकी डॉटर के लिए कुछ लेना भी है मुझे, तो मैं आराम से चिल मारते हुए जाती हूँ. सो चलिए लेट्स गो एंड मीट अंकिता. मैंने ड्रेस पहना हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ क्या पहना है. वेरी ब्यूटीफुल ऐसा फ्रॉक टाइप का है, फ्लोरल, बहुत फ्लोई फ्लोई सा फ्रॉक है. दिखा, दिस इज माई फ्रॉक, ये है, मैं ये पहनी हूँ. तो क्योंकि वो एक्चुअली शी लिव्स विथ हर फैमिली, तो मैं थोड़ा डिसेंट ड्रेस्ड अप होकर जा रही हूँ. अदरवाइज मैं जब एक दो बार हम मिल लेंगे तब शायद, जैसे मैं निशा के घर पे जाती हूँ बिल्कुल लोअर और शॉर्ट्स एंड टी शर्ट्स. आंटी के घर भी मैं ऐसे ही जाती हूँ, निशा की मम्मी के घर पे, मतलब हम लोग अब ऐसे रहते हैं. चलो चलते हैं अंकिता के घर पे. एक्चुअली ये जो कैमरे, मोबाइल वाला कैमरे से मैं ब्लॉक कर रही हूँ ना, इसमें वॉइस नहीं आ रही थी, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ. तो चलिए चलते हैं अंकिता के घर. ये मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ, एकदम कंफर्टेबल पहना हुआ है सब कुछ मैंने, क्योंकि ये वॉक करके जाना है, हालांकि काफ़ी पास में ही है. तो यस लेट्स गो. लॉक वगैरह कर देते हैं गेट को अच्छे से. और 5 बजी होगी तकरीबन. आप देखो मेरे यहाँ पे जो लॉबी है ना, वहाँ इतनी शानदार हवा चलती है, मतलब अगर हम लोग गेट ओपन करके रखते हैं ना, तो हमारे घर में भी ऐसी ही हवा आती है. तो मैं आ गई हूँ अंकिता के घर पे एंड ये है अंकिता. हेलो. और ये है उनकी डॉटर क्यूट सी इनाया. इसे 4 मंथ की है अभी और इसी से मिलने आई थी वैसे मैं.
तो मिल लिया हम लोग, बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया है. और कैसा लगा मुझसे मिलके? बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा. और वेट कर रहे थे बस मेरे रुचि से मिल लो. और आंटी ने इतने टेस्टी, क्या था वो, ब्रेड चटनी, ब्रेड रोल, इतने टेस्टी ब्रेड रोल खिलाए थे कि मजा आ गया. बहुत ही अच्छा लगा सबसे मिल करके. अब नेक्स्ट टाइम हम जल्दी प्लान करते हैं. ओके गाइस, सो आई एम बैक फ्रॉम अंकिताज होम. और इतना अच्छा लगा, उनकी मम्मी भी बहुत अच्छी थी. एंड सबसे ज़्यादा तो अच्छा मुझे उनके यहाँ का वो कटलेट लगा है, बहुत टेस्टी था वो. एंड अंकिता से मिलकर भी बहुत अच्छा लगा. एंड इनू वॉज ऑल्सो वेरी वेरी क्यूट. सो एक्चुअली द वाइब मैच्ड, मेन ये फैक्टर होता है कि आपकी वाइब मैच होनी चाहिए. सो अंकिता से मेरी वाइब बहुत अच्छी मैच हुई है. अब मैं चेंज करती हूँ, पूजा वूजा करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ. आज मैं बना रही हूँ आलू कैसे काटे इसमें और प्याज की सब्जी, वो ऐसे ही काट के गई है. मेरे को लंबे लंबे पतले पतले बोले थे, वैसे ही काटे उन्होंने. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो लंच वगैरह सब रेडी हो गया विक्की का, अभी वो खा करके जाएगा और थोड़ा जल्दी ऑफिस से आएगा आज. एंड मैं यहाँ पर पी रही हूँ मिल्क शेक जो कि विक्की ने बनाया है, बहुत टेस्टी है. ओके गाइस, तो विक्की को ड्रॉप करके आ गई हूँ, फटाक से जाती हूँ शार लेने के लिए और शार लेकर के लोगों से मिलती हूँ. हाय एवरीवन, मैं आप लोगों से आई थिंक कल के बाद सीधे आज मिल रही हूँ. सो कल हम लोग जा रहे हैं वापस भोपाल, हम लोगों की टिकट्स हो गई है. तो हम लोगों का ऐसा रहता है या तो हम थर्सडे निकलते हैं यूजुअली या फ्राइडे निकलते हैं, बिकॉज हमारा ऐसा रहता है, हमारे यहाँ दो दिन ऐसी ट्रेन रहती है जो थाने टू डायरेक्ट हमारा मतलब भोपाल जाती है. वैसे तो डेली ट्रेन रहती है बट फिर थाने का स्टॉप दो तीन दिन का ही है, मतलब एक फिर कल्याण जाना पड़ता है. तो हम लोग कोशिश करते हैं जो थाने से होकर रुक करके जाए उसमें जाए. तो आज हो गई, तो अब फाइनली कल निकल रहे हैं. तो सोच रही हूँ सब पैकिंग वैकिंग स्टार्ट कर दूँ, कपड़े जो पड़े हैं वो वॉश कर दूँ, डस्टिंग कर लूँ, क्योंकि क्या होता है ना कल विक्की ऑफिस जाने वाला है. डस्टिंग करके जाओ तो घर काफ़ी क्लीन मिलता है, तो वैसा है. तो स्टार्ट करती हूँ, सबसे पहले तो अभी कपड़े वपड़े वॉश करना है मुझे. घर भी बहुत फैला हुआ है बिकॉज अभी आपको पता ही होगा कि आई एम बैक इन टू व्लॉगिंग वगैरह, तो ब्रांड्स वगैरह के साथ भी कोलैब करना स्टार्ट कर दिया है मैंने. ऑल दो अभी कन्फ्यूजन ये रहता है, मुझे ये डेट्स पता नहीं रहती है कि मैं मुंबई में कब तक हूँ और मैं भोपाल में कब तक हूँ. तो उस वजह से ये प्रॉब्लम होती है कि जो ब्रांड सामान भेजते हैं ना, तो वो एक कन्फ्यूजन होता है. तो अभी स्टिल आई एम टेकिंग थोड़ा लिमिटेड, मतलब बहुत ब्रांड्स को मैं मना भी कर रही हूँ कि नहीं नहीं अभी थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा और रुक जाओ. क्योंकि क्या होता है कि मुझे भी नहीं पता होता है कि मैं कितने टाइम, जैसे अभी मैं एक हफ्ता ये जो है मेरा एक्सटेंड हो गया है, मैं यहाँ होने नहीं वाली थी बट मैं रुक गई इधर पर, तो वैसा है. तो अब नेक्स्ट मंथ भी मुझे नहीं पता कि मैं कब आऊँगी कब जाऊँगी, सो उसका कुछ ठिकाना नहीं है. तो वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो अभी थोड़े दिन की और बात है. तो मैंने ना यहाँ पर काफ़ी सारा प्लान्ड स्टोरेज बनवा करके रखा था, सब कुछ कौन सी चीज़ कहाँ पर है. तो ये जो आप इस तरफ वाला पार्ट देख रहे हैं ना सिंगल, ये प्रॉपर फर्निशिंग्स के लिए बनवाया गया था, सो दैट आई विल कीप माय बेड शीट्स, थ्रोज, ब्लैंकेट्स, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ रखूँगी. बट अभी क्या है, मुझे ऑर्गेनाइजेशन का मौका नहीं मिला है, तो अभी तो सिर्फ सब कुछ ऐसे ही स्टफ कर दिया है, भर दिया है. बाद में जब आऊँगी आराम से धीरे धीरे ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करूँगी, तब वो चीज़ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होगी और अच्छी और स्पेस आ जाएगी. मतलब सारी वार्डरोब्स मैंने काफ़ी अच्छे से स्पेस निकलवाया है, इनफैक्ट बाहर भी किचन में भी सब जगह. बट अभी वही है, अभी कुछ भी ना ऑर्गेनाइज नहीं है, सिर्फ हमने उस टाइम भर दिया था कि आराम से करेंगे धीरे धीरे एक एक करके. बट वो ठीक है, अभी जब भी आएंगे ना तब एक एक वार्डरोब्स में ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करूंगी. तो अभी बस यहाँ पर सारे जो सोफे हैं उनको कवर करना स्टार्ट कर रही हूँ. yes,
ओके गाइज, सो इट्स 10:30 राइट नाउ एंड आई एम शटिंग ऑफ द कैमरा बिकॉज ये जो कैमरा बैग आपको दिख रहा है ना, ये मुझे इसके अंदर रखना है और पैक कर रही हूँ मैं अब. तो अब मैं डायरेक्टली आप लोगों से कल मिलूँगी, और कल मिलूँगी भी ना तो मोबाइल के कैमरे से मिलूँगी. तो यस, मुझे वैसे भी ना पैकिंग एनजाइटी होती है, मुझे ऐसा लगता है एक दिन पहले सब मेरा सामान अच्छे से पैक हो जाए. तो वैसा हालांकि कुछ इतना इधर उधर करती नहीं हूँ, बस कैमरा, लैपटॉप और एक दो क्लोथ्स वगैरह ही मैं लेके जा रही हूँ इधर उधर. बाकी यस, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से मोबाइल कैम से कल सुबह. गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो आज है नेक्स्ट डे. अभी थोड़ी देर पहले सो करके उठी हूँ मैं, और आप बाल देखो मेरे, ये जो बाल है ना, ये सब मैं हर्बल शैम्पू से वॉश कर रही हूँ. आई थिंक उसका वीडियो इस वीडियो के बाद आएगा या इसके पहले आएगा, आई एम नॉट श्योर, बट जब भी आए देखना ज़रूर. मैंने बहुत अच्छे शैम्पू रिकमेंड करे हैं एंड उनको ट्राई ज़रूर करना. तो अभी हम लोगों ने जैसे जो ये प्लांट्स सब यहाँ पे लगा दिए थे, फिर यहाँ रखा था, वहाँ रख दिए थे, वो सारे प्लांट्स जो है वो बाहर रख दिए वापस, और उनमें मैंने क्या करके रखा है ना, पानी भर दिया है. ये मैं पिछले बार भी करके गई थी एंड उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, क्योंकि वो लोग क्या है, आप आजू बाजू पानी भर देते हो तो वो अपने हिसाब से फिर पानी लेते रहते हैं. तो मैं दिखाती हूँ क्या किया है. चीज़ आप कर सकते हो जब आप छुट्टी पे जा रहे हो, मतलब हम पिछले बार 15 दिन के गैप में आते हैं, अभी तो इस बार विक्की जल्दी आ जाएगा हालांकि एक हफ्ते के गैप में, बट पिछले बार हम 15 डेज के गैप में आते थे ना, स्टिल वो जो प्लांट्स हैं वो हैप्पीली चल रहे थे और बहुत और ज़्यादा ग्रीन हो गए थे जितनी गर्मी थी जबकि. तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये जैसे आपको ये प्लांट दिख रहा है ना, तो हमने क्या किया है, इसके अंदर मैंने पानी, दिख रहा है, पानी भर दिया है. तो ये अब इसको जब पानी की ज़रूरत होगी ये ले लेगा, लेता रहेगा. इसके थ्रू ये जो मनी प्लांट है, इसके एक लीफ मैंने इसके अंदर डाल दी है यहाँ पे, तो वो लीफ के थ्रू उसको पानी जाता रहेगा. फिर मैंने इसमें ना दो मनी प्लांट रख दिए हैं इसमें पानी, ये तो सेल्फ वॉटरिंग है तो इसमें इतनी दिक्कत आती नहीं है, इसके नीचे वैसे ही पानी भरा ही रहता है, इनको पानी की ज़रूरत है नहीं, ये तीन को, जीजी प्लांट को. फिर ये दो मनी प्लांट है, इन इनको कुछ नहीं होगा, बाकी वो जो नीचे है ना उनमें भी पानी भर दिया है. तो इस तरीके से मैंने यहाँ के जो प्लांट है, और ये सब सही भी रहते हैं क्योंकि इधर पर डायरेक्ट धूप नहीं आती है, जो भी धूप आती है वो आती है सीधी इधर, और इधर कॉर्नर पे हल्की सी आती है, इधर पे भी ठीक है हालत प्लांट की, जो जो धूप में आए कॉन्टैक्ट में वो सब निपट गए, उनको मैं नहीं बचा पाई भाई. जैसे पैक हो गया है, और इन दोनों को भी मैं बाहर रखूँगी पानी भर भर के, ये तो पानी भर के रखे हुए हैं तो बाहर क्या थोड़े अच्छे चलते हैं. सिर्फ किचन वाला पौधा जो है वो किचन में रहता है. और अभी हो रहा है, हमारी दीदी आ गई हैं, उनको कुछ कॉल वॉल आ गई तो वो फटाक से ऐसी चली गई हैं. रोटी बन रही है और सब्जी वब्जी कटवा लेती हूँ मैं उनसे, तो ये मैं फिर बगाड़ूंगी, यही हम लोग ट्रेन में भी लेकर के जाएंगे. तो कैमरे से व्लॉग इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैंने अपना कैमरा पैक कर दिया है. अभी मुझे थोड़ा सा एडिट और करना है, एक व्लॉग आज लाइव जाएगा एक व्लॉग, और उसके बाद फिर अपना जो लैपटॉप है वो भी मैं पैक कर दूंगी, तो फिर भोपाल जा करके करा जाएगा. बट इस मंथ मैंने अपनी व्लॉग्स की जो क्वांटिटी वो ठीक रखी है, मतलब आई एम बैक ऑन ट्रैक नाउ. हफ्ते में मेरे दो वीडियोस जा रहे हैं, दो जा रहे हैं, पहले मैं तीन डालती थी बट अभी दो तो जा रहे हैं, एटलीस्ट दो तो जा रहे हैं. पहले लास्ट मंथ तो आई थिंक मैंने कुछ भी नहीं डाला था बिकॉज आई रिसीव्ड यूट्यूब अमाउंट और वो बिल्कुल बस आ गया, ये समझ लो जो बेसिक फर्स्ट सैलरी आई थी ना मेरी यूट्यूब की, उतना अमाउंट मुझे अभी रिसीव हुआ बिकॉज मैंने कुछ डाला ही नहीं था लास्ट मंथ. तो वैसा है. तो हम लोग यहाँ सुबह सुबह 6 बजे पहुँच गए हैं स्टेशन, और अब हम निकल रहे हैं घर के लिए. और जैसे ही हम भोपाल उतरे, हम लोगों ने लिटरली जैकेट्स पहने दोनों ने, बिकॉज इतना ठंडा हो रहा था, आप देख ही रहे हो बादल वादल हो रहे, मतलब बारिश हुई थी थोड़ी देर पहले. बस आज का जो वीडियो है वो यहीं ख़त्म करते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आया देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय.